नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं एशियन भारत। आइए नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। खत्म हुई ट्रांसपोर्ट्स की हड़ताल, सरकार और ट्रांसपोर्टर्स के बीच में सुलह। दिल्ली में हुई बैठक के बाद निकला हड़ताल का हल, फिलहाल लागू नहीं होगा हिट एंड रन कानून। जबलपुर पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, कहा वीरांगनाओं की धरती पर आकर हुआ धन्य। सीएम के साथ सभी कैबिनेट मंत्री हुए शामिल, कैबिनेट से पहले की संभागीय समीक्षा बैठक। सीएम मोहन यादव ने लिया बड़ा एक्शन, शाजापुर कलेक्टर को हटाया, ट्रक ड्राइवर्स के सम्मान में उठाया कदम, कहा मैं खुद मजदूर परिवार का बेटा हूँ। साइलेंसर पर चला बुलडोजर, बुलेट में लगे थे तेज आवाज वाले साइलेंसर, पटाखा फूटने जैसी आवाज करते हैं साइलेंसर, कार्रवाई देख हैरत में पड़ी जनता। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, उससे पहले जान लेते हैं कौन सी है वे बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर आ रही है भोपाल से, जहां भोपाल में खत्म हुई है ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल, सरकार और ट्रांसपोर्टरों ने के बीच में सुलह हो गई है। दिल्ली में हुई बैठक के बाद निकला हड़ताल का हल, आपको बता दें कि फिलहाल लागू नहीं होगा हिट एंड रन कानून। दूसरी खबर जबलपुर से है, जहां जबलपुर पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, आपको बता दें कि रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, वहां वीरांगनाओं की धरती पर आकर हुआ धन्य। सीएम के साथ ही सभी कैबिनेट मंत्री हुए शामिल, कैबिनेट से पहले की संभागीय समीक्षा बैठक। तीसरी खबर शाजापुर से है, जहां सीएम मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है, आपको बता दें कि शाजापुर कलेक्टर को हटाया गया है, ट्रक ड्राइवर्स के सम्मान में उठाया कदम, उन्होंने कहा कि मैं खुद मजदूर परिवार का बेटा हूँ। कलेक्टर किशोर कन्याल को हटाया गया है, वहीं भारी मीटिंग में ड्राइवर से औकात पूछने पर एक्शन लिया गया। सीएम बोले कि यह सरकार गरीबों की सरकार है। चौथी और आखिरी खबर रीवा से है, जहां साइलेंसर पर चला बुलडोजर, आपको बता दें कि बुलेट में लगे थे तेज आवाज वाले साइलेंसर, पटाखा फूटने जैसी आवाज करते हैं साइलेंसर, कार्रवाई देख हैरत में जनता पड़ गई थी। सबसे पहली खबर आ रही है भोपाल से, जहां पिछले कुछ दिनों से जारी ट्रक ड्राइवर, ट्रांसपोर्टर्स और कमर्शियल वाहन चालकों की हड़ताल मंगलवार शाम आखिरकार सरकार से बातचीत और सुलह के बाद समाप्त हो गई। लिहाजा मध्य प्रदेश ट्रक एसोसिएशन समेत अन्य संगठनों ने ट्रक ड्राइवरों से अपने काम पर वापस लौटने की अपील की है। दरअसल हड़ताल के कारण देश भर में पेट्रोल डीजल समेत सब्जी और अन्य सामग्री की आपूर्ति प्रभावित हो रही थी, वह स्कूलों की भी छुट्टी करनी पड़ी थी। इसके अलावा तमाम जरूरी उत्पादों की आपूर्ति और परिवहन रोकने के कारण कई चीजों के भाव कई गुना तक बढ़ गए थे। देश के कई मार्गों पर चक्का जाम और विरोध के चलते आवागमन में भी परेशानी हो रही थी। ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्टरों के आंदोलन के बाद गृह मंत्रालय ने पहल करते हुए मंगलवार शाम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भोपाल से आबिद मुमताज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आबिद, रन एंड हिट कानून लागू होने के बाद भोपाल सहित पूरे प्रदेश में क्या स्थिति रही? देखिए, केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून लाने के बाद से ही ट्रक ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स और तमाम जो प्राइवेट से वाहन थे, वो सारे के सारे हड़ताल पर यहाँ पर चले गए थे। उस कानून को लेकर सरकार और ट्रांसपोर्टरों में अब सुलह हो गई है। तो जिस तरह से हड़ताल की गई थी, तो पूरे मध्य प्रदेश की जो व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं चरमरा गई थी। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको देखते हुए अब जो सुलह हुई है, उसमें गृह मंत्रालय ने बड़ी पहल करते हुए कहा है कि अब इस कानून को अभी फिलहाल के लिए लागू नहीं किया जाएगा, यानी जो कानून पहले से चल रहा है वही अस्तित्व में यहाँ पर रहेगा, नया कानून अभी लागू नहीं किया जाएगा, इसको फिर से विचार विमर्श यहाँ पर होगा। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा कि जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडलों के साथ जो बैठक हुई, उसके अंदर इस बात का निर्णय हो गया कि अब हिट एंड रन कानून को लागू अभी हाल फिलहाल में नहीं किया जाएगा। हालांकि इस बात का अभी कोई ऐसा जिक्र नहीं आया है कि कब तक इसको स्थगित किया गया है। जी आबिद, अब हड़ताल खुलने के बाद स्थिति क्या है?
देखिए हड़ताल खुलने के बाद स्थिति अब पूरी तरह से सामान्य हो गई है, जनजीवन जो है पूरी तरह सामान्य यहाँ पर चलने लगा है, लोगों की आवाजाही अब फिर से यहाँ पर रफ्तार आवाजाही ने रफ्तार पकड़ ली है, लोग अब बसों में भी सफर कर रहा है और आने जाने में भी अब कोई परेशानी का सामना यहाँ पर नहीं करना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल जो पहले की तरह सामान्य रूप से भी यहाँ पर अब मिलने लगा है। जी आबिद, आबिद के छोटे व्यापारियों या किसानों को हड़ताल खुलने की जानकारी है? बिल्कुल, कल जो मंगलवार रात को ही बात का फैसला हो गया था जो हड़ताल स्थगित हो गई है, वो तमाम सोशल मीडिया और जो मीडिया प्लेटफॉर्म पे उस पर भी इस बात की खबर चल गई थी, तो निश्चित रूप से सभी लोगों को इस बात की जानकारी रात में ही लग गई थी कि हड़ताल खत्म हो गई और इसी बात को लेकर लोगों ने राहत की सांस भी ली। खासकर जब बात करें खाद्य सामग्री को लेकर या किसानों को लेकर, तो किसान भी काफी खुश इससे नजर आए। जी आबिद, आबिद कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज भी स्टॉक कम होने का बहाना बनाकर जरूरी वस्तुएं महंगी बेची जा रही है? नहीं, ऐसा अभी कोई समाचार यहाँ पर सामने नहीं आया है कि स्टॉक का बहाना बनाकर कोई सामान जो है वो जरूरी या महंगा यहाँ पर बेचा जा रहा है, क्योंकि कलेक्टर ने साफ तौर पर ये निर्देश दे दिए थे कि किसी भी तरह की कोई भी महंगी चीज ना बेची जाए, जो जितने दाम की उतने दाम पे ही यहाँ पर भेजा बेची जाए, क्योंकि एक कमेटी भी यहाँ पर बना दी गई थी, एक टीम के साथ बराबर इसका मॉनिटरिंग भी यहाँ पर की गई थी, पुलिस के साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारी सतत इसके निगाह भी रखे हुए थे। जी आबिद, आबिद हाल फिलहाल में भोपाल में क्या स्थिति है? हाल फिलहाल में जो दो दिन से जो 1 और 2 जनवरी को जो स्थिति थी, अब वो पूरी तरह से भोपाल जो है सामान्य हो चुका है, आवाजाही यहाँ पर शुरू हो चुकी है, लोगों ने राहत की सांस भी ली है और ट्रक ड्राइवर जो एसोसिएशन था उसका उन्होंने केंद्र सरकार का आभार भी माना है कि उन्होंने उनकी बात को यहाँ पर जो है प्रमुखता के साथ सुनी और अपनी जो कानून हिट इन रन का लागू किया गया था उसे हटाने का काम किया। जी आबिद, तो ये खबर थी भोपाल से जहां पिछले कुछ दिनों से जारी ट्रक ड्राइवर ट्रांसपोर्टर और कमर्शियल वाहन चालकों की हड़ताल मंगलवार शाम आखिरकार सरकार से बातचीत और सुलह के बाद समाप्त हो गई। लिहाजा मध्य प्रदेश ट्रक एसोसिएशन समेत अन्य संगठनों ने ट्रक ड्राइवरों से अपने काम पर वापस लौटने की अपील की है। दरअसल हड़ताल के कारण देश भर में पेट्रोल डीजल समेत सब्जी और अन्य सामग्री की आपूर्ति प्रभावित हो रही थी, वह स्कूलों की भी छुट्टी करनी पड़ी थी। दूसरी खबर जबलपुर से है जहां बुधवार को जबलपुर में मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक हो रही है। सीएम डॉक्टर यादव यहां पहुंच गए हैं और वे संस्कार धनी जबलपुर में कई विकास कार्यों की सौगात भी देने वाले हैं, जिस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जबलपुर से राजेंद्र थपलियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, मुख्यमंत्री यादव कौन कौन से विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं? महाकौशल के लिए बड़ा दिन है क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जो है जबलपुर आगमन हो गया। सबसे पहले तो उन्होंने भवरताल गार्डन पहुंच के वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसमें तमाम कैबिनेट के मंत्री विधायक समस्त लोग शामिल हुए, जहां इस दौरान उन्होंने कहा कि सबसे पहले इस भूमि पर आकर वो धन्य हो गए हैं और निश्चित तौर पर बलिदानियों का स्मरण करके जो भी आज के जितने भी कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होंगे और राज्य का समग्र विकास करेंगे। साथ ही उसके बाद मैं बता दूं कि कलचुरी होटल में जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा जो है कानून व्यवस्था और विकास के कार्यों को लेकर जो है एक संभागीय बैठक की गई, जिसमें समस्त कैबिनेट मंत्री और प्रदेश स्तर के जितने अधिकारी आला अधिकारी थे वो मौजूद थे, जिसमें मुख्यमंत्री जो डॉक्टर मोहन यादव जो है जो उनका साफ तौर पे कहना है कि जो समीक्षा बैठक हुई है वो बड़ी अच्छी बैठक हुई है, जिसमें जो रोजगार के पूरे मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जाएगा, साथ ही कानून व्यवस्था और ठीक की जाएगी, साथ ही विकास के जो भी कार्य हैं और जो नए कार्य जो चालू होने हैं उसको लेकर भी जो है समीक्षा बैठक की गई है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि शाम जो है 6:30 बजे से शक्ति भवन में जो है वो कैबिनेट की प्रथम बैठक जो है वो होने वाली है और निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि इस कैबिनेट बैठक से जो है वो मध्य प्रदेश की जो है वो आगामी जितने भी विकास के कार्य होंगे और योजनाएं जो होंगी उसमें जो है
निर्णय लिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर एक चीज और मैं बता दूंगी कि हरिजन ग्राउंड से जो है वो लगभग 409 करोड़ की जो योजनाएं हैं और विकास के कार्य हैं उनका लोकार्पण जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव करने जा रहे हैं। जी जी राजेंद्र प्रशासनिक स्तर पर क्या व्यवस्थाएं की गई थी? जी बिल्कुल रितिका, मैं आपको बता दूं कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो है जैसे ही इसकी सूचना जब मिली थी कि 3 तारीख को जो है डॉक्टर मोहन यादव सीएम जो है जबलपुर आगमन होने वाले आने वाले हैं, प्रथम कैबिनेट की बैठक जो है वो संस्कारधानी में होने वाली है, उसके बाद जो पूरा अमला है प्रशासनिक अमला वो तैयारियों में जुट गया था। चाहे हम बात करें गैरिजन ग्राउंड की या शक्ति भवन की जहाँ कैबिनेट बैठक होनी है, चाहे भंवरताल गार्डन में जो वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा स्थल पर जो कार्यक्रम आयोजित होने थे, तो बहुत अच्छे तरीके से जिला प्रशासन और पुलिस बल ने जो है सुरक्षा व्यवस्था और तमाम जो चाक चौबंद व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो सारी की है। जी राजेंद्र, क्या जबलपुर में पहली बार कैबिनेट की बैठक हो रही है? जी आपको मैं बता दूं रितिका कि लंबे समय से जो है कैबिनेट बैठक यहाँ पे नहीं हुई थी, पहली बैठक जिसे कहा जाता है, लेकिन जब 2018 में कमलनाथ की कांग्रेस की सरकार जब बनी थी तब नर्मदा किनारे शक्ति भवन में जो है वो कमलनाथ ने जो है कैबिनेट बैठक का जो प्रथम कैबिनेट बैठक है उसका आयोजन शक्ति भवन में किया था। तो इसी को देखते हुए महाकौशल को तवज्जो देने के लिए जो है भाजपा सरकार मध्य प्रदेश की जो है प्रथम बैठक जो है वो शक्ति भवन में जबलपुर में करने जा रही है। जी राजेंद्र, आपको क्या लगता है कि कितने फैसले विशेषकर जबलपुर के लिए लिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो जबलपुर के साथ साथ पूरे महाकौशल क्षेत्र को लेकर जो मैं आपको बता दूं कि कैबिनेट बैठक जो की जा रही है, तो कहीं ना कहीं जबलपुर के साथ साथ जो महाकौशल है यहाँ की जनता को खासी उम्मीद है कि जिस प्रकार से जो प्रथम बैठक जो भाजपा मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, तो बहुत सी आशाएं जो है लोगों की कि कई जो योजनाएं हैं विकास के कार्य जो जबलपुर में होने हैं तो उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो अब ये देखना होगा कि जिस प्रकार से कैबिनेट बैठक जो तमाम कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें किस प्रकार के जबलपुर महाकौशल साथ साथ मध्य प्रदेश के लिए किस प्रकार के जो आगे का रोड मैप है योजनाओं को लेकर विकास कार्यों को लेकर कानून व्यवस्था को लेकर किस प्रकार से सामने आता है, ये कैबिनेट बैठक होने के बाद ही पूरी स्थिति साफ हो पाएगी। जी जी, तो एक खबर थी जबलपुर से, जहां जबलपुर पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आपको बता दें कि रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया, कहा कि वीरांगनाओं की धरती पर आकर धन्य हुए हैं। सीएम के साथ ही सभी कैबिनेट मंत्री शामिल हुए हैं। कैबिनेट से पहले संभागीय समीक्षा की बैठक की। तीसरी खबर शाजापुर से है, जहां शाजापुर में ट्रक ड्राइवर से जुड़ी घटना को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शाजापुर कलेक्टर किशोर कन्याल को हटा दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि यह सरकार गरीबों की सरकार है, सबके काम का सम्मान होना चाहिए और भाव का भी सम्मान होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। मनुष्यता के नाते ऐसी भाषा हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का बेटा हूं, इस तरह की भाषा बोलना उचित नहीं है। अधिकारी भाषा और व्यवहार का ध्यान रखें। जिस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शाजापुर से कमल सिंह सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल, शाजापुर के कलेक्टर ने ऐसा क्या कहा जिसके लिए उन पर कार्रवाई की गई है? जी मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो भारत सरकार द्वारा हिट एंड रन का जो कानून बनाया गया था जी, वो उसी से ड्राइवर यूनियन जो थी काफी नाराज चल रही थी और वो लगातार 3 से 4 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ड्राइवर संगठन के एक सदस्य ड्राइवर के ऊपर कलेक्टर ने इसलिए गुस्सा हो गए क्योंकि उन्होंने कलेक्टर के सामने ही एक अलग लेवल से हड़ताल करने की बात कही थी, जिससे कलेक्टर बिखर गए और उन्होंने ड्राइवर को कहा कि तुम्हारी औकात क्या है। तभी ड्राइवर ने कहा कि सर बस हम औकात के लिए ही लड़ रहे हैं। किंतु यह जो वीडियो था यह काफी वायरल हुआ और इस वायरल वीडियो को देखने के बाद ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शाजापुर कलेक्टर किशोर कुमार कन्यार को तत्काल प्रभाव से हटाकर उप सचिव मध्य प्रदेश शासन बना दिया। कमल, इस
पूरे मामले में किशोर कन्याल का क्या कुछ कहना है? जी, कल रात को ही जब कलेक्टर शाजापुर कलेक्टर ने एक वीडियो भी वायरल किया था, जिसमें उन्होंने अपना स्पष्टीकरण कहा था कि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि किसी को मेरे कहे द्वारा ठेस पहुंचे या किसी को बुरा लगे, और हमने तो सिर्फ शहर की फिजा को और शांति बनाए रखने के लिए ऐसा कहा था, किंतु मेरी इस बात को गलत तरीके से लिया गया। किंतु जब तक बहुत देर हो चुकी थी और तत्काल मुख्यमंत्री ने उनको प्रभाव से ट्रांसफर कर दिया। जी कमल, कलेक्टर किशोर कन्याल की पदस्थी शाजापुर में कब हुई थी? जी, उनकी पदस्थि कम से कम 8 से 9 महीने पहले ही शाजापुर में हुई थी। उसके बाद 8-9 महीने से लगातार वो यहीं थे। अभी इस वीडियो के वायरल होने के कारण उनके तत्काल यहाँ से हटा दिया गया। कमल, जिस तरह से उनका वीडियो में जो व्यवहार रहा है, क्या उनका व्यवहार हमेशा इसी तरह बना रहा? जी नहीं, ऐसा व्यवहार उनका लगभग ऐसा पहली बार ऐसा व्यवहार उनको देखने को मिला था। इस पर एक अगर हम बात करें उनके व्यवहार की, तो एक अच्छे और समझदार और सुलझे हुए अधिकारी थे, पर अचानक उनके शब्द ऐसे उनके मुंह से निकले जिसके कारण उनका ट्रांसफर हुआ। अब शाजापुर में उनके पद से उन्हें हटाया गया है, शाजापुर में किस तरह से इस चीज को देखा जा रहा है? जी, इसमें कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जिस प्रकार उन्होंने, जैसे सीएम ने बोला है कि किसी भले ही कोई भी हो, चाहे गरीब हो, ड्राइवर हो, ठेले वाला हो, कुछ भी हो, पर किसी भी व्यक्ति के साथ इस प्रकार की अमर्यादित भाषा में बात नहीं की जाएगी। या गरीबों की सरकार है और गरीबों को हित में देखकर ही अधिकारी अपना काम करे। सख्त चेतावनी दी है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, और इसी बात को देखते हुए ही उनका ट्रांसफर कर दिया गया। जब हमने कल इस मामले में जिस ड्राइवर से उनकी बात हुई थी कि क्या है औकात तुम्हारी, जब उस ड्राइवर पप्पू अहिरवार से जब हमने बात की, तो उसका कहना था कि कलेक्टर साहब ने ड्राइवर को भड़काने का काम किया था और प्रशासन ने जो निर्णय लिया उसको हम मानते हैं। पप्पू अहिरवार का कहना था कि हम ड्राइवर लोग हमारी समस्या से कलेक्टर साहब को अवगत करवा रहे थे, तभी कलेक्टर साहब मेरे ऊपर भड़क गए और मेरी औकात के बारे में बात करने लगे। जब उससे यह प्रश्न किया गया कलेक्टर को हटा दिया है, इसमें आप क्या कहेंगे, तो उनका कहना था कि छोटा सा ड्राइवर हूँ, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं कुछ नहीं जानता। मुझे तो यह कहना था, याद जरूर है कि उन्होंने हम ड्राइवर को भड़काने का काम किया था और हमने तो उनसे निवेदन ही किया था, किंतु भड़क गए। जी कमल, नई कलेक्टर के से अब क्या उम्मीदें की जा रही है? जी, अभी नरसिंहपुर कलेक्टर रितु बाफना का शाजापुर स्थानांतरण हुआ है। अब जब वो यहाँ आएंगे, जब उनके हम कार्यशैली देखेंगे, तभी उनके काम का आकलन कर सकेंगे। अभी तो कुछ कह नहीं सकता, पर हाँ, एक पुराना एक मामला जरूर अभी सामने आया था कि 2017 का मामला है, जब वो नागदा एसडीएम थे और शाजापुर एएसपी ज्योति ठाकुर, उन लोगों के बीच में किसी रेस्ट हाउस के रूम को लेके जरूर बहस हुई थी। उस मामले की कुछ फुटेज और पेपर कटिंग जरूर अभी शाजापुर के मीडिया ग्रुपों में चल रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी सख्त या किसी भी काम को अच्छे ढंग से करने वाली महिला कलेक्टर है, और आगे देखते हैं फिर क्या होता है। जी कमल, तो ये खबर थी शाजापुर से, जहां शाजापुर में ट्रक ड्राइवर से जुड़ी घटना को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शाजापुर कलेक्टर किशोर कन्याल को हटा दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि यह सरकार गरीबों की सरकार है, सबके काम का सम्मान होना चाहिए और भाव का भी सम्मान होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। मनुष्यता के नाते ऐसी भाषा हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं है। मैं खुद मजदूर परिवार का बेटा हूँ, इस तरह की भाषा बोलना उचित नहीं है। अधिकारी भाषा और व्यवहार का ध्यान रखे।
चौथी और आखिरी खबर रीवा से है, जहां रीवा में यातायात पुलिस ने बुलेट गाड़ी में लगने वाले साइलेंसर को निकाल कर उस पर बुलडोजर चलवा दिया। वहीं एक साथ कई साइलेंसर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई देखकर सभी हैरत में पड़ गए। दरअसल बुलेट बाइक में तेज आवाज करने वाले साइलेंसर लगाकर कुछ लोगों और युवाओं के द्वारा सड़क से गुजरने के दौरान तेज गति और आवाज करके जनता को परेशान किया जा रहा था, जिससे कई बार हादसे भी हो रहे थे। वहीं बुलेट के साइलेंसर पर कार्रवाई करके यातायात पुलिस ने साइलेंसरों पर बुलडोजर चलवा दिया है। वहीं यातायात पुलिस ने कार्रवाई के दौरान पटाखे वाले तेज आवाज में निकलने वाले साइलेंसर को जब्त किया था। वहीं सभी साइलेंसरों पर बुलडोजर चलवा कर नष्ट कर दिया है। जिस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रीवा से शमीम सौदागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शमीम, यातायात पुलिस अभी तक इस तरह की कितनी बार कार्रवाई कर चुकी है? मैं बताना चाहूंगा कि यातायात पुलिस ने अभी पिछले साल मतलब 2023 में दिसंबर में भी ये कार्रवाई की गई थी। साइलेंसर को बुलडोजर से चलवा दिया गया था और कल भी यातायात पुलिस ने कल 110 साइलेंसर को बुलेट से निकलवा के इनको बुलडोजर से चलवा दिया गया, नष्ट कर दिया गया है। जी शमीम, कितने साइलेंसर पुलिस ने जब्त किए हैं? 110 सिलेंडर जब्त किए थे, इसको बुलेट से निकलवा के। जो सिलेंडर थे वो तेज आवाज वाले थे, जो ध्वनि तेज करते हैं, आने जाने को परेशानी होती है, इतनी आवाज रहती है, जिसमें पटाखे वाले रहती है, जिसमें चिंगारी निकलती है, जिसमें गोली की आवाज निकलती है, जो नुकसानदेह है, इसको यातायात निकल कार्रवाई करते हुए सभी सिलेंडर बुलेट से निकलवा के इसको बिल्डोजर से नष्ट कर दिया गया है चलवा कर। शमीम, आगे भी कैसे तरह की कार्रवाई जारी रहेगी? हाँ जी, अब मैं कल हमारे डीएसपी सर से बात हुई थी, बोला कि ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी जब तक ये साइलेंसर लगाना बंद नहीं करेंगे। और ये भी इन्हें कहना, जो दुकानदार जो है जो बुलेट जो साइलेंसर बेचते हैं, मॉडिफाई करके साइलेंसर बेचते हैं, उनके भी कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई कर भी रहे हैं। जी शमीम, शमीम वाहन चालकों पर पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? क्या कोई विवाद की स्थिति देखने को मिली? नहीं, विवाद की स्थिति लोगों का कहना है कि ये कार्रवाई ठीक अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आज के युवा लोग जो स्टंट करते हैं बट में नया तरह लगवा के आवाज वाले गली मोहल्ले से निकलते हैं, जिसमें बहुत सारी परेशानी होती है, स्टंट करते हैं, इनमें जान जोखिम प्रॉब्लम रहती है, एक्सीडेंट होती है, लोग घायल भी हो जाते हैं। तो पब्लिकों को कहना कि ठीक है, अच्छा है, कार्रवाई है, अच्छी की है, कर रहे हैं। जी, इस कार्रवाई को लेकर यातायात पुलिस का क्या कुछ कहना रहा? कोई कहना यही था कि भाई कार्रवाई हम लगातार करते रहेंगे, क्यों जब तक क्या कि जो युवा लोग हैं, जो लोग क्या मान नहीं रहे, बार बार वार्निंग देने के बाद भी बोल देंगे सिलेंडर निकलवा लेंगे, लेकिन वो मानते रहे, इसलिए वो कार्रवाई करते रहेंगे जब तक वो लोग मान नहीं जाए, तब तक बंद नहीं कर देंगे सिलेंडर लगवाना। जी शमीम, तो एक खबर थी रीवा से, जहां रीवा में यातायात पुलिस ने बुलेट गाड़ी में लगने वाले साइलेंसर को निकालकर उस पर बुलडोजर चलवा दिया। वहीं एक साथ कई साइलेंसर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई देखकर सभी हैरत में पड़ गए। दरअसल बुलेट बाइक में तेज आवाज करने वाले साइलेंसर लगाकर कुछ लोगों और युवाओं के द्वारा सड़क से गुजरने के दौरान तेज गति और आवाज करके जनता को परेशान किया जा रहा था। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें, आप देखते रहिए एशियन भारत।